दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल तक दिल्ली के अंदर जो यमुना में पानी का स्तर है उसमें काफ़ी गिरावट आ जाएगी। अभी तक जो पानी का स्तर है वो लगभग 1 मीटर तक नीचे जा चुका है और उसमें निरंतर धीरे धीरे गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली के अंदर इस बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार दिन रात युद्ध स्तर पे काम कर रही है, जिससे कि दिल्ली के लोगों को किसी तरह की इस आपात स्थिति में तकलीफों से, दिक्कतों से बचाया जा सके। दिल्ली के अंदर 40 से ज़्यादा राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं, जिसमें लो लाइन में रहने वाले लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ से रेस्क्यू करके रखा गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राहत शिविरों में हम लोग जा रहे हैं। लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी पार्षद, आम आदमी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है और जगह जगह अपने क्षेत्रों में जो भी उनके नियरेस्ट राहत शिविर हैं वहाँ पर जा कर के वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। आज से लोगों के सहयोग का जो अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है उसे और तेज करते हुए पार्टी मुख्यालय में आज से बाढ़ राहत रसोई की शुरुआत की जा रही है। इस रसोई के माध्यम से यहाँ पर फूड पैकेट तैयार करेगी पार्टी और सभी 40 कैंपों में पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो वहाँ स्थानीय स्तर पे कहाँ पर ज़रूरत है इसका आकलन करके केंद्रीय कार्यालय में सूचित करेंगे, जहाँ से हम लोग जो राहत शिविर में लोग रह रहे हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर अलग अलग समाज के लोग भी इस आपात स्थिति में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है। कई दिनों से जब सरकार, मुख्यमंत्री, सारे लोग युद्ध स्तर पे बाढ़ राहत में लगे हुए हैं, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका नेता इस बात को कह रहा है कि ये बाढ़ इसलिए आ गई दिल्ली के अंदर क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार नालों की सफाई करने में फेल हो गई। एमसीडी के लोगों ने नाले साफ नहीं किए। मुझे याद है जिस दिन पहले दिन खतरे के निशान के ऊपर पानी बढ़ा,
भारतीय जनता पार्टी के नेता यहीं कार्यालय में प्रोटेस्ट करने आए थे कि दिल्ली में बाढ़ इसलिए आ रही है, पानी इसलिए बढ़ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने और एमसीडी ने नालों की सफाई नहीं की, इसलिए पानी बढ़ रहा है। बोले केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उसके बाद अगले दिन बारिश बंद हो गई दिल्ली में, और उस दिन के बाद से, 9 जुलाई के बाद से 10, 11, 12, 13, 14 और आज 15 हो गया, अभी दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई। तो हर आदमी के एक ही दिमाग में एक ही प्रश्न था कि आखिर दिल्ली में बारिश हो नहीं रही है तो यमुना का पानी बढ़ क्यों रहा और बढ़ नहीं रहा। 1978 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली के अंदर, उस समय जो पानी के स्तर का रिकॉर्ड था वो 207.49 था। बिना बारिश हुए दिल्ली में और पानी का रिकॉर्ड अब तक के सारे पैरामीटर्स को, उसके रिकॉर्ड को तोड़ करके 208.66 पहुंच गया। हम सब लोग राहत कार्य में लगे थे, सुबह शाम दिन रात, कहां टॉयलेट नहीं है, कहां पानी नहीं है, कहां बेड नहीं है, कहां कैंप नहीं है, 24 घंटे लगे थे। लेकिन मन में अंदर अंदर ये बात उठ रही थी कि आखिर ये जो इतना पानी दिल्ली के अंदर आज तक कभी नहीं आया यमुना में, इतना पानी क्यों आया अगर दिल्ली के अंदर बारिश बंद है तो? क्योंकि नाले के जो पानी थे वो तो यमुना में चले गए और उसके बाद बारिश बंद हो गई। ये सच जान करके रोआ कपकपा उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें मिल करके दिल्ली को डुबोने का षड्यंत्र कर रही थी जब दिल्ली की सरकार राहत कार्य में लगी हुई थी। जिस तरह से सच सामने आया है, वीडियो आपने देखा है, दिल्ली के लोगों को डुबोने का षड्यंत्र, इतने निचले स्तर तक राजनीति कभी नहीं गई। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इस तरह का षड्यंत्र करेंगे कि देश की राजधानी को डुबोने की जिद तक आ जाएंगे। आज ये सारा सच सबके सामने आ चुका है, और जब से ये सच आया है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच सामने आया है, हिमाचल प्रदेश का पानी हो या हरियाणा या तमाम उन क्षेत्रों का पानी, दिल्ली के अंदर जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा हथनी कुंड से पानी छोड़ने के कारण पैदा हुई, और यह षड्यंत्र के तहत किया गया। हथनी कुंड में पानी छोड़ने के लिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता दिल्ली की तरफ आता है, एक रास्ता उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है जिसको ईस्टर्न बोलते हैं, और तीसरा रास्ता हरियाणा की तरफ कैनाल जाता है। ये आश्चर्यजनक है कि जब दिल्ली के लोग बार बार गुहार लगा रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को लिखित में अपील की कि हथनी कुंड से जो पानी आ रहा है उसकी मात्रा कम किया जाए, वरना दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में के कैनाल में पानी छोड़ने का ऑप्शन था, लेकिन एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया। हरियाणा के अंदर कैनाल में पानी छोड़ने का ऑप्शन था, उसमें एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया, और सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ सारे गेट खोल करके छोड़ दिया गया। दिल्ली की स्थितियों से ऐसा नहीं कि उनको खबर नहीं मिल रही थी, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा ही, केंद्रीय वाटर कमीशन के द्वारा ही ये बार बार रोजाना रिपोर्ट जारी हो रही थी, हर पल की रिपोर्ट जारी हो रही थी। लेकिन जानबूझ करके 13 तारीख तक
दिल्ली के अंदर सारे पानी को छोड़ा गया और उस पानी की वजह से आज दिल्ली के अंदर बाढ़ में लोगों को डूबना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश के कैनाल में पानी छोड़ा गया होता, हरियाणा के कैनाल में पानी छोड़ा गया होता, तो दिल्ली के अंदर बाढ़ की जो स्थिति है वो नहीं पैदा होती। दिल्ली के अंदर पानी का स्तर बढ़ता, लेकिन इस स्तर पे नहीं बढ़ता कि दिल्ली के अंदर सारी सड़कों को बंद करना पड़े, दिल्ली के अंदर पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच जाए, कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। ये बहुत ही शर्मनाक है और इस तथ्य को जानने के बाद हर किसी के मन में एक ही बात उठ रही है कि आखिर इस दिल्ली को डुबाने की साजिश क्यों की गई। मैं दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो विपरीत स्थिति साजिशन पैदा की गई, आप सबने सरकार के साथ मिल करके जिस हिम्मत के साथ मुकाबला किया है, थोड़ा और धैर्य रखिए। आपके हर तकलीफ में सरकार आपके साथ खड़ी है। धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जा रहा है और कई मार्ग जो बंद थे अब धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगर बारिश नहीं होती है तो कल तक काफ़ी राहत दिल्ली को मिलेगी और पूरी सरकार, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता आपके साथ हैं। और आज से जो ये बाढ़ राहत रसोई शुरू की गई है, इसे ज़रूरत के हिसाब से हम और जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसको पार्टी की तरफ से भी हम लोगों के सहयोग में आगे बढ़ेंगे।